जयपुर के राजस्थान कॉलेज में नमाज पढ़ने का मामला अब गर्माता जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को राजस्थान कॉलेज परिसर में कुछ छात्रों ने नमाज पढ़ी थी। इस दौरान आपत्ति जताने पर पुलिस प्रशासन ने छात्रों को परिसर में नमाज पढ़ने से रोका। इस पर NSVI से जुड़े कुछ छात्र पुलिस प्रशासन से भिड़ गए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि या तो उन्हें खुले में नमाज पढ़ने दी जाए या फिर नमाज के लिए कॉलेज में अलग से जगह आवंटित की जाए। इसी बात को लेकर हल्की नोकझोंक और झड़प भी हुई। नमाज पढ़ने के विरोध में अब AVVP ने कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़कर अपना विरोध जताया है। वहीं NSVI का कहना है कि नमाज पढ़ने से रोकने वाले शिक्षक और गार्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हैं। NSVI के जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि यहां हर धर्म के छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन RSS से जुड़े शिक्षक ने सिर्फ धर्म विशेष के छात्रों को ही प्रताड़ित किया, यह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तब तक विरोध करेंगे जब तक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले शिक्षक और गार्ड को बर्खास्त नहीं किया जाता।